हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे राजस्थानी स्टाइल कढ़ी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कटोरी दही ले ली है, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें डालेंगे बेसन, ये 3 चम्मच हमने बेसन डाला है इसमें, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और ये 2 चम्मच नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अब तड़के की तैयारी करते हैं। आइए देखते हैं हम तड़के के लिए क्या क्या चाहिए। यह 1 कटी हुई प्याज, 1 कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन 2 अदरक कुटा हुआ, 2 लाल मिर्च, 1/2 चम्मच मेथी दाना। और अब करते हैं पकौड़े की तैयारी। यह है 4 चम्मच बेसन, इसमें डालेंगे 1 कटी हुई प्याज, 1/2 नमक, 1/2 धनिया पाउडर, 1/2 लाल मिर्च पाउडर, 1/2 करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। पहले पकौड़ी बनाते हैं। ये कढ़ाई गर्म कर ली है, अब इसमें डालेंगे तेल। ये 3 चमची तेल डाला है हमने, इसे गर्म करेंगे। तेल गरम हो चुका है, पकौड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। पलटते हैं पकौड़ी जो है। अभी ये निकाल लेंगे। सभी पकौड़ियों को ऐसे बना के तैयार कर लेंगे।
अब इसी कढ़ाई में हम कड़ी का छोंक लगाएंगे, फिर दो लाल मिर्च, मेथी दाना आधा चम्मच, ये प्याज डाल देंगे कटी हुई, ये अदरक और लहसुन का दरदरा पेस्ट डाल देंगे इसमें, होने तक पकाएंगे इसको। ये कटी हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, पानी डालेंगे लगभग आधा भिगोनी पानी है छोटा, थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें, अब कड़ी को पकने देंगे। कड़ी जो है बनके तैयार हो चुकी है, अब करते हैं एक और तड़के की तैयारी। गैस कर देते हैं बंद, ये गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, तेल गरम होने देंगे, इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे, ढक देंगे इसको, इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये तड़का इसमें ढक देंगे, राजस्थानी टाइप करें। आप भी जरूर बनाइएगा। थैंक यू।